हेलो हाय आदाब सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अपनी अपनी लाइफ में खुशियों को बटोर रहे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने लाइफ में सेल्फ ग्रोथ पर काम कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा खुद को बैलेंस भी कर रहे हैं। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज की रीडिंग हम लोग शुरू करेंगे। आज की रीडिंग एक लव रीडिंग है, ठीक है। हम लोग देखेंगे आज लेट नाइट को आपके पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपके पर्सन का नाम अपने मन में 3 to 5 times ले लीजिए। उनको विजुलाइज कर सकते हैं, फोटो भी देख सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप उनको उनके फोटो को नहीं देख सकते। एक्चुअल बात यह है कि थोड़ा उनको याद कीजिए, अच्छी मेमोरीज याद करना, नेगेटिव बातें याद मत करना, कि एनर्जीज कनेक्ट हो, खुद को काम कीजिए। एंड व्हाइल आई एम शफलिंग द कार्ड, अपनी एनर्जी को कनेक्ट होने देने की कोशिश कीजिए रीडिंग के साथ। डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन आज लेट नाइट को किस थॉट में रहेंगे, किस फीलिंग में रहेंगे, क्या चलेगा उनके दिल दिमाग में, मेरे व्यूअर्स को लेकर के सोचेंगे भी कि नहीं, ये भी बताइए प्लीज। एंजल्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मुझे, मैं आपके मैसेजेस मेरे व्यूअर्स तक पहुंचा सकूं। प्लीज डिवाइन गाइड करें एंड द लास्ट शफल। I need two more cards. Bottom of the deck, four of pentacle. दिल दिमाग में आप छाए हुए हैं जी, आपको दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, मतलब पाएंगे आज रात को। फर्स्ट कार्ड टू ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये पर्सन जगल कर रहे हैं दो सिचुएशन में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द फूल, मैजिशियन, एम्परर, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पर्सन का साइन मैं बता देती हूँ। आपके पर्सन हो सकते हैं अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन हो सकते हैं वाटर साइन, हो सकते हैं फायर साइन, एंड यहाँ पे मुझे एयर साइन मिसिंग दिख रहा है, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस। देखिए ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे साइन की एनर्जी आ जाती है। आप लोग बात तो समझिएगा कि टैरो रीडिंग ना राशियों के बेस पे नहीं होता है। हाँ, अगर राशियों के बेस पे कोई पर्टिकुलर मैं रीडिंग कर रही हूँ वो अलग बात है, बट बाकी कलेक्टिव जनरल रीडिंग है तो सारी राशियों की एनर्जी आ जाती है। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, जब भी आपको पहुंचती है उस दिन की एनर्जी इस रीडिंग के साथ मैच करेगी। 100% मैच कर सकती है, पार्शियली मैच कर सकती है। जबरदस्ती इम्पोज मत करना, अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी मेरे लिए नहीं है देन जबरदस्ती खुद पे इम्पोज मत कीजिएगा। ओके, आज रात को ना आपके पर्सन बहुत ज्यादा जगलिंग स्टेट में रहेंगे। जगलिंग दो सिचुएशन में, दो पर्सन में मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी स्ट्रांगली प्रेजेंट है आपकी रीडिंग में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो थर्ड पार्टी एंड आपने बहुत ज्यादा जगलिंग स्टेट, कंफ्यूज क्या करे क्या ना करे, फैमिली एंड आपके बीच में से किसको चुने, सिचुएशन भी उस हिसाब से उनके हिसाब से नहीं है एंड इनडिसीशन में वो घिरे हुए हैं, ठीक है। कभी लग रहा है कि थर्ड पार्टी को रखे, कभी लग रहा है कि आपको रखे, क्या करे वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। इन पर ना बहुत ज्यादा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी ये सोचेंगे। फिनेंशियल क्राइसिस मुझे बहुतों के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सब के बीच में भी ना एक ऑफर करने की, एक प्यार ऑफर करने की इच्छा उनके दिल में जरूर है। वो प्यार किसको ऑफर करेंगे, वो करना चाहते हैं आपको, प्यार ऑफर करना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा इमैच्योर एनर्जी है, थोड़ा सा चाइल्डिश एनर्जी है। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कमिटमेंट वो देने के हालत में नहीं है। वो छोटा मोटा होता है ना कि प्यार
इनफैक्ट क्या हो रहा है कि आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, तभी ये प्यार ऑफर करना चाहते हैं। केयरलेसली सब कुछ भुला करके एक न्यू बिगिनिंग भी करना चाहेंगे आज रात को। सोचेंगे कि काश सारी सिचुएशन को भुला करके आपके साथ सिर्फ एक न्यू बिगिनिंग कर सकते। किसी की कोई टेंशन नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की चिंता नहीं होती, ऐसे भी थॉट्स उनको रहेगा। रात को ये पर्सन बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट भी करने वाले हैं, आपको नोइंगली हो अननोइंगली हो मैनिफेस्ट करेंगे कि चीजें सॉल्व आउट हो जाए, वो आपकी तरफ बढ़ पाए। चीजों को समझिएगा, दो सिचुएशन में थर्ड पार्टी प्रेजेंट है, थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते, आप लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, रीडिंग भी लेने आते हैं कि थर्ड पार्टी को क्यों नहीं छोड़ रहा है। देखिए, थर्ड पार्टी अगर ऑलरेडी फैमिली है, ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ वो इमोशनली फिजिकली इन्वॉल्व रह चुके हैं, तो एक अटैचमेंट तो वहां भी है। इस चीज को समझिएगा, प्रैक्टिकल वे में समझिएगा। अगर वो मैरिड पार्टनर है, अगर वहां पे उनकी मैरिज फिक्स हुई है, अगर इन्वॉल्वमेंट है दोनों में, तो वहां से निकल पाना भी मुश्किल होता है। ठीक है, निकलना चाहिए, अगर प्यार करते हैं तो निकलना चाहिए। बट हाँ, अगर थर्ड पार्टी में जाकर के वो आपको पूरी तरह से भूल चुके होते, तो ये जगलिंग स्टेट भी नहीं होती उनकी, इस बात को भी समझिएगा। कहीं ना कहीं वो इमोशनल अटैचमेंट, वो एक सोल लेवल कनेक्शन डेफिनेटली आपसे फील करते हैं, तभी वो थर्ड पार्टी के साथ भी आपको जगल कर रहे हैं। मैजिशियन, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपका साथ, आपके साथ जिंदगी बिताना, ये सब उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ इनको फादर इशू भी मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन, मुझे जहां तक इस रीडिंग से दिख रहा है कि फिनेंशियली अपने फादर पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। फिनेंशियली बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रांग ये पर्सन नहीं दिखाई दे रहे हैं, फादर पे डिपेंडेंट ऐसी मुझे एक एनर्जी आ रही है। फादर इशू भी हो सकता है, फादर नहीं मान रहे हैं आपका साथ, ये भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, ये खुद फादर है, इनके बच्चे हैं, तो वहां पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको रोक रही है। जो भी सिचुएशन है, दो तीन सिचुएशन मैंने बोल दिया, तो ये भी एक है। किसी किसी केस में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है उनका सेल्फ, एक जिद्दीपन, एक ईगो, एक कुछ अगर पास्ट में आप दोनों में फाइट वगैरह हुआ है कि नहीं मैं क्यों आगे जाऊं, कुछ लोगों में बहुत कम बहुत कम परसेंटेज में ही है ऐसे पर्सन, बट कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जिद में, ईगो में भी बैठे हुए हैं। व्हाई मी, व्हाई नॉट यू, इस टाइप की एक एनर्जी में ये बैठे हुए हैं। बट अल्टीमेटली वो शादी चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं। अगर ये इस रिश्ते में ये पॉसिबल नहीं है आप दोनों का फिजिकल रियूनियन, देन वो चाहते हैं कि हार्मोनियस रियूनियन में आप दोनों आए। इस रिलेशनशिप के लिए, आपके साथ जो भी रिलेशनशिप है, उसमें ना ये इक्वल गिव एंड टेक पास्ट में नहीं किए हैं। आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा गिवर रह चुके हैं, एंड ये सब चीजें ना वो समझते हुए चाहते हैं कि कुछ एक्शन आपकी तरफ ले। बहुत इंपेशेंट हो रहे हैं, वो जानते हैं कि अगर आपके साथ ये जो फूल की एनर्जी आई है, न्यू बिगिनिंग करना है, तो बहुत उनको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या है कि जिस जगह पे है उस जगह से निकल करके आप तक बढ़ना, आपको मना करके आपके साथ रिलेशनशिप में आना, वो सब सोच रहे होंगे कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, तब जाके मेरी जो विश है वो फुलफिल होगी। टेन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी बताता है कि वो अपनी फैमिली में आपको इंक्लूड करना चाहते हैं। चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, वो चाहते हैं कि सबके साथ मिलजुल के रहे, आपको भी अपनी फैमिली में वो इंक्लूड करे। एक्चुअल बात ये है कि वो आपको अपनी फैमिली ही मानते हैं। चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, वो मैरिड हो, जो भी हो, लेकिन वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली में वो आपको इंक्लूड करे, या आपको वो अपनी फैमिली ही मानते हैं। फाइव ऑफ कप्स, बहुत दुखी है ये पर्सन, इनको ना कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि आप तक वो कैसे बढ़े, क्या अभी की जो सोच है, रात की जो सोच होगी ना, मैं कैसे बढ़ू, एक थका हारा एनर्जी, कोई रास्ता नहीं मिलना। गौर से देखेंगे तो डेफिनेटली रास्ता है, बट उनको ऐसा लगेगा कि सिचुएशन ऐसी है कि कोई रास्ता नहीं है, कोई इस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने के लिए कोई प्रॉपर वे नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे जो दिखाई दे रहा है कि उनको भी ये पता है कि शायद भाग्य का जो पहिया है वो कभी ना कभी बदलेगा, आप दोनों साथ होंगे, ये एक पॉजिटिव एक माइंड सेट उनके अंदर है कि चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, कभी ना कभी आपके साथ वो होंगे।
कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। हो सकता है सिचुएशन की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। आप दोनों के रिलेशन में मुझे मेजर जो इशू दिखाई दे रहा है वो है कमिटमेंट इशू। किसी तरह का ट्रस्ट इशू भी नहीं, बस कमिटमेंट के लिए ही आप दोनों में प्रॉब्लम होती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट वो देना चाहते हैं, सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि सिचुएशन को कैसे संभाले, कैसे सब कुछ करें। एक चीज पूरी रीडिंग से, अच्छा एक और चीज, फोर ऑफ देखिए इसमें भी आया है, इनडिसीशन, टू ऑफ सोर्स, समझ नहीं पा रहे हैं किसको छोड़े। दोनों को रखना चाहते हैं बट ये भी जानते हैं कि दोनों को रखना पॉसिबल नहीं है। आप इस चीज के लिए नहीं मानेंगे, या रिसेंट में हो सकता है कि आपने इस इशू को लेकर के उनसे दूर जाने का फैसला भी किया है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। वो चाहते हैं कभी कभी कि आपको दिल दिमाग से निकाल दें, बट आप उनके दिल दिमाग में 24/7 छाए हुए हैं। तो एक लाइन में अगर मैं इस रीडिंग को बोलूं, थर्ड पार्टी स्ट्रांगली प्रेजेंट है एंड थर्ड पार्टी में होते हुए भी वो आपको अपनी लाइफ में कैसे लाएंगे, क्या क्या मुश्किलें हैं, कितनी उनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्या क्या खोना पड़ेगा इस चीज के लिए, ये आपके साथ के लिए, इन सब के बारे में वो आज रात को सोचने वाले हैं। स्ट्रांगली चाहते हैं आप दोनों में एक रियूनियन हो जाए, जो भी मनमुटाव चल रहा है वो सब भुला करके आपको कमिटमेंट दे, सारी बाधाओं को भुला करके वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करे। आपके लिए प्यार तो डेफिनेटली है, तभी वो इतना कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आज क्या रहने वाली है। होप रीडिंग आपको पसंद आई है, रीडिंग से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिला है। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। मैं डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग लाती रहती हूँ, आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए।